हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर आनंद कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है मीडिया वर्ल्ड से, अब बहुत ही नामचीन व्यक्ति का नाम है ना, किसी नाम के मोहताज नहीं, सुधीर चौधरी, एक्स न्यूज़ एडिटर, जी न्यूज़ है ना। अभी उन्होंने ज्वाइन किया है आज तक ब्लैक एंड वाइट करके, उनका अभी एक प्रोग्राम आ रहा है, जैसे DNA आता था जी न्यूज़ पे, वैसे तो ब्लैक एंड वाइट करके। इनको भी मैंने नेम सजेशन भेजा था, बट उनको अच्छा नाम सजेशन मिल गया। उनको तो मैंने न्यूमोलॉजिक एनालिसिस करके ही भेजा था उनको, कि अभी उनको किस तरह से अपना नाम चेंज करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से जो लोग एक बार सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है जीवन में। तो आज उनको मैं बता दूंगा है ना, कि उनको जो सफलता मिला है, अभी वो सफलता जो है कितने दिन तक रहेगी, अभी क्या क्या प्रॉब्लम इनके लाइफ में आने वाला है, नंबर इनका बताता है। बहुत सिंपल है, सारे एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी जानते हैं। तो इंडियन न्यूमोलॉजी और दूसरों एनालिसिस, जिसको हम चाइनीज न्यूमोलॉजी कहते हैं। तो आज हम ये बताएंगे कि सुधीर चौधरी जी को इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली है ना, इतने ये सफल कैसे हुए, ये कब सफलता इनको मिलना शुरू हुआ। इनका नंबर देख कर आप लोग तो खुद हैरान हो जाओगे अभी है ना, सबसे डिफिकल्ट डिले नंबर, जिसको कि एस्ट्रोलॉजर के जितने भी हमारे देश के एस्ट्रोलॉजर हैं न्यूमोलॉजर, उसको सबसे अनलक्की नंबर मानते हैं, देख के पता चल रहा होगा आप लोगों को। तो आज मैं बताऊंगा कि इनको सफलता किसने दिया, इंडियन न्यूमोलॉजी ने दिया या चाइनीज न्यूमोलॉजी ने दिया या इंडियन एस्ट्रोलॉजी ने दिया। चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं सबसे पहले रूल्स ऑफ ऑकल्ट साइंस, ये 5 रूल मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऑकल्ट मतलब गुप्त, साइंस मतलब विज्ञान, गुप्त विज्ञान। न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, रेकी साइंस, टैरो कार्ड रीडिंग, सब गुप्त विज्ञान है। ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, उस एनर्जी को है ना, पॉजिटिव एनर्जी को अपने वश में करना और उसके हिसाब से काम करना है ना, उसको कहते हैं हम लोग, उसको समझना, ऑब्जर्व करना, दैट इज कला, आर्ट। वही हम न्यूमोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजी करते एस्ट्रोलॉजर करते हैं। टैरो कार्ड आजकल बहुत फेमस हो गया, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 5 ईयर से तो बहुत ज़्यादा, अब तो ऐसा हो सकता है कि मशरूम्स की तरह टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे हिंदुस्तान में, हर घर घर में टैरो कार्ड रीडर हो जाएगा जिस तरह से चल रहा है ना। फिर रेकी मास्टर है, पामिस्ट्री बहुत ओल्ड साइंस है, तो सब ऑकल्ट साइंस है, गुप्त विज्ञान है। अगर नॉलेज कर देंगे वहाँ पे साइंस के, तो गुप्त ज्ञान हो जाएगा। तो गुप्त ज्ञान देने वाला न्यूमोलॉजिस्ट होता है, एस्ट्रोलॉजर होता है, टैरो कार्ड रीडर है और पामिस्ट है। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे फील्ड में। तो इसका पहला लॉजिक है कि जो सही बताएगा आपको किसी भी वीडियो में या किसी भी माध्यम से, चाहे ब्लॉग के माध्यम से या व्लॉग के माध्यम से है ना, तो वो लॉजिक होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए, तभी मैजिक है। दैट इज सबसे पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम न्यूमोलॉजर एस्ट्रोलॉजर जो है गॉड है, मैजिशियन नहीं, भगवान और जादूगर नहीं है। अगर ऐसा कोई बोलता तो उसको बोलिए आप भाग्य चेंज करिए, मोदी जी को हटाइए, खुद प्रधानमंत्री बनकर दिखाइए, तो मैं मान जाऊंगा कि आप गॉड है, मैजिशियन हो। वेरी सिंपल। हम एक डॉक्टर की तरह हैं, जिस तरह से डॉक्टर के पास अपनी बीमारी का इलाज लेके जाते हो और डॉक्टर उस बीमारी का इलाज उसी हिसाब से करता है, जहाँ इंजेक्शन की जरूरत होती है वहाँ इंजेक्शन देता है, जहाँ टैबलेट की जरूरत होती है टैबलेट देता है, जहाँ सिरप की जरूरत होती है सिरप, और जहाँ जरूरत होती है तीनों चीज़ चाहिए तीनों चीज़ देता है। और जहाँ उसको पता लगता है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, जैसे कैंसर आज भी हमारे देश में बहुत बुरी स्थिति, उसका कोई इलाज नहीं, तो कोई इलाज नहीं है फिर न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई इलाज नहीं है। वेरी सिंपल, कोई कुछ नहीं कर सकता, सब गॉड पे छोड़ दीजिए। फिर अल्टीमेटली Almighty is there, very simple. Third number, 80-20. हम astrologer, numerologer, जो भी है सबका prediction 80% correct हो सकता है, 20% error हो सकता है, ठीक है? Medicine shop, जितना भी numerologist, astrologer के video आप जहाँ भी देखते हो, YouTube पे तो करोड़ों video है, कहीं भी हो देखते हो, वो सब medicine shop में रखे हुए उन दवाइयों की तरह, जिसको आप बिना doctor के prescription के नहीं खा सकते, किसी कीमत पे नहीं। अगर आपने खाया तो आपका पूरा शरीर खराब हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपने बिना नॉलेज के अपना कोशिश की नाम बदलने का, चेंज करने का या कोई भी चीज़, तो आपका पूरा नाम करप्ट हो जाएगा, करेक्ट नहीं होगा। याद रखना है कि नाम को तब तक कंप्लीट चेंज नहीं करना है जब तक कि आपका नाम हम लोग करेक्ट ना कर सकें अपना वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट डाल के। अगर कर सकते हैं तो नेचुरली नाम को सिर्फ करेक्ट करना है, करप्ट नहीं करना है, जो कि हम लोग करेक्ट करते हैं ना। पांचवा बात, ऑकल्ट मास्टर, ऑनेस्ट गुप्त ज्ञान देने वाला, गुप्त विज्ञान वाला आप व्यक्ति को आप कैसे ढूंढोगे अपने शहर में अपने गांव में है ना। 80% लोग बेईमान लोग हैं इस बिजनेस में, 20% इसे ईमानदार है, 80% लोगों ने 20% ईमानदार लोगों को ढक रखा है, ढूंढोगे कैसे। मैंने अपना एक आचार्य जी, एक ईमानदार लेडी का देख रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को नहीं भूलो, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, भाग्य को जान लो उसके हिसाब से कर्म करो। पहले जान लो कि तुम्हारे भाग्य में इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, IAS बनना, बिजनेसमैन बनना है ना, आपको स्पोर्ट्समैन बनना, आपका क्रिकेटर बनना, आपका फिल्म स्टार बनना, एक्टर बनना, लिखा है या नहीं लिखा है,
उसके हिसाब से कर्म करो। आचार्य जी से ये जान लो कि ये डेस्टिनी नंबर और साइकिल नंबर तुम्हारे ग्रह बलवान है या नहीं तुम्हारी कुंडली में। अब मैं न्यूमरोलॉजी का सारा नियम ऐसा करेक्ट कर दूंगा कि उसके बाद रॉकेट की तरह एकदम आगे जाओगे, भाग्य आगे जाएगा। क्योंकि अगर पता चल गया पहले, क्योंकि जब पहले पता चलेगा एडवांस में आपको कुछ पता रहता है, तो आप उसके हिसाब से तैयारी करोगे, है ना। जब उसके हिसाब से तैयारी करोगे तो जीत मिलनी ही मिलनी है, सफलता मिलनी ही मिलनी है। अभी भी देरी नहीं हुई है। घर में सबका अपना नेम चेंज कराओ, वाइब्रेशन लाओ। आपके बच्चे हैं उनका आपकी बात नहीं मानते, या उनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा है, उसका नाम नहीं मैच कर रहा उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। क्योंकि डेस्टिनी नंबर तो 40 साल के बाद काम करना शुरू करेगा, लेकिन साइकिल नंबर के हिसाब से तो नेम होना चाहिए कम से कम। ये बात कब समझोगे, मैं कितने सारे वीडियो में बता चुका हूँ। पूरे परिवार का नाम चेंज कराओ, न्यूमरोलॉजी कराओ, उसका कुंडली जानो अपना, कौन सा ग्रह बलवान है, उसके हिसाब से उसका उपाय करो। अगर कमजोर है तो उसको बलवान करो, और उसके बाद देखो कैसा सफलता मिलता है। चलिए मैं आप लोग बताता हूँ, सुधीर चौधरी जी बहुत ही फेमस आदमी है ना। अगर हिंदुस्तान में ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान के बारे में कुछ बड़ाई सुननी हो तो सुधीर चौधरी जी का जीनियो चैनल देखिए, और हिंदुस्तान के बारे में बुराई सुननी हो तो रवीश जी का NDTV चैनल देखिए, है ना। वहाँ पे प्याज, अगर सुधीर चौधरी जी अगर जी न्यूज पे प्याज 100 रुपये किलो बेच रहे हैं तो रवीश जी अपने चैनल पे 150 रुपये किलो बेचते हैं। तो मतलब जी न्यूज से उठाइए 100 रुपये किलो और जाके वहाँ पे 150 रुपये बेचिए, 50 रुपये का प्रॉफिट आपको हो जाएगा। ऐसी कहावतें हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे लोग कहते हैं, है ना। ये जो है मोदी जी के फेवर में हमेशा बात करते हैं, और मिस्टर रवीश जो है वो हमेशा मोदी जी के एंटी बात करते हैं। वैसे सुधीर चौधरी जी ऐसा नहीं है कि ये हमेशा, मैं भी इनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन जहाँ पे ये गलत बोलते हैं वहाँ पे मैं चैनल बंद करके निकल जाता हूँ। मैं किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, मुझे गॉड ने अपना दिमाग दिया है, है ना। मैं खुद पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरे को अपने सोचने समझने की शक्ति है, मुझे समझ में आता है कि कौन क्या बोल रहा है। अच्छी चीज़ें मैं सबसे लेता हूँ, मैं अपने चपरासी से अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है ना। जिसको मैं सपोर्ट स्टाफ बोलता हूँ, उसको मैं चपरासी कभी नहीं बोलता, पीउन कभी नहीं, उसको सपोर्ट स्टाफ बोलता हूँ। उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन में, तो मैं हर अच्छी चीज़ें सबसे लेने के लिए तैयार रहता हूँ। लेकिन जिसने भी जरा सा भी चमचागिरी की या फेवर किया तो बंद कर देता हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं, इनका पूरा जीने का मैं इनका फ़ैन हूँ। अभी ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूँ, जब से इन्होंने लॉन्च किया तब से नहीं देख पा रहा हूँ, है ना। एनर्जी जो है वो वाइब्रेशन नहीं बन रहा है। आज तक का जो चैनल है वो 1 नंबर पर आता है, मेरा 1 नंबर बिल्कुल शूट नहीं करता, इसलिए मैं देख ही नहीं पाता हूँ। जी न्यूज का नंबर मेरे से मैच करता था इसलिए मैं देख पाता था, है ना। एनीवे चलिए बताता हूँ क्या होता है ये सब चीज। सुधीर चौधरी जी का नेम नंबर 4 पर, राहु देव का नंबर है ना, यूरेनस का नंबर, वेस्टर्न नेम न्यूमरोलॉजी में इसको यूरेनस का नंबर बोलते हैं। और इनका मजेदार बात देखिए, साइकी नंबर भी 7 और डेस्टिनी नंबर भी 7, जिसको कि केतु देव कहते हैं और वो नेपच्यून होता है, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी उसको नेपच्यून कहा जाता है। डेस्टिनी नंबर 7 लकी होता है एज ए डेस्टिनी नंबर, लेकिन एज ए साइकी नंबर ये अनलकी हो गया। तो साइकी नंबर के हिसाब से नेम नंबर होता है, तो इसका मतलब ये भी अनलकी हो गया। तो सीधा सीधा हो गया कि साइकी नंबर 7 जो अनलकी हो गया भाई, ठीक है। डेस्टिनी नंबर 7 लकी हो गया आपका, ये ऑटोमेटिक अनलकी हो गया, साइकी नंबर के हिसाब से आपने नहीं किया, क्योंकि डेस्टिनी नंबर 40 साल के बाद भाग्य होता है। सुधीर जी को अभी जो सफलता मिली, इनका भी एज है 48 साल, इनको जो सफलता मिली है 40 साल के बाद, अभी 8 साल में ही नेशनल इंटरनेशनल न्यूज एडिटर, इतना नेम फेम इनको सब मिला भी 8 साल में। पार्लियामेंट अटैक जो हुआ था 2000 में, उस वक्त वो वहाँ पे एज ए न्यूज रिपोर्टर वो वहाँ पे थे, आज से 10-20-22 साल पहले, और 8 साल पहले से इनका नेम एंड फेम जबरदस्त चमका, है ना। तो ये रूसो ग्रिड एनालिसिस आपको समझ में आएगा, लेकिन जिस तरह से रूसो ग्रिड एनालिसिस इनका एक भी ग्रिड नहीं बनता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अनलक्की हो गया, तो इंडियन न्यूमरोलॉजी ने इनको नहीं बनाया, उतना नेम एंड फेम जो देने वाला था वो इंडियन न्यूमरोलॉजी ने नहीं दे सकता है। राहु देव केतु देव के बीच 36 का आंकड़ा है। अमृत मंथन के समय जो देवता के भेष में बैठ गया था एक दैत्य, उसको जब लॉर्ड विष्णु ने जब उसका गर्दन काटा, तो धड़ जो का ऊपर का हिस्सा राहु देव हैं, धड़ के नीचे के हिस्सा केतु देव हैं, दोनों को जोड़ दिया जाता है, इसलिए राहु देव केतु देव हो गए। लेकिन उसके बावजूद ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता है, दैत्य कैटेगरी में आने के बावजूद भी एक दूसरे का दुश्मन नंबर है। लेकिन 40 साल के बाद ये फेवरेबल हो जाता है, क्योंकि 40 साल के बाद डेस्टिनी नंबर सपोर्ट करता है, तो 7 नंबर और 4 नंबर 40 साल के बाद इनको सपोर्ट करना शुरू किया। अगर ऐसे देखें तो तब न्यूमरोलॉजी इनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सच्ची सच्ची बात यह है कि जो अनलकी है वो अनलकी है, वो कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता। इंडियन न्यूमरोलॉजी ने इनको सफलता नहीं थी, टू बी वेरी फ्रेंक। अब चलते हैं लूसो ग्रिड एनालिसिस, जो पहली बार आया हमको पता होगा लूसो ग्रिड एनालिसिस को हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी कहते हैं, 3x3 का मैट्रिक्स है ना, 3x3 देख रहे हैं,
और इस सब तरफ से जोड़िएगा तो 15 आएगा, कहीं से भी जोड़ेंगे आप। ये एक्चुअली हमारा सूर्यंत्र है, 10,000 साल पहले आविष्कार हुआ था इसका, खोज हुई थी, है ना। फिर हमारे बाहर के विद्वान लोग आए, उन्होंने अपनी विद्वता दिखाते हुए इसको अपना बना लिया, फिर अपना नाम देके हम लोगों को फिर से चिपका दिया। वेरी सिंपल। तो सुधीर जी का जो लुसोग्लियोलाइसिस बनता है आप देख रहे हैं, है ना, ये डेट ऑफ बर्थ के बेस पे बनता है, 4/7 है इंडियन न्यूमोलॉजी, इंडियन न्यूमोलॉजी के होरोस्कोप में। और लुसोग्लियोलाइसिस के होरोस्कोप में यही फर्क है कि लुसोग्लियोलाइसिस में अगर 2 बार से ज़्यादा नेम आ जाए, रिपीटिंग नंबर, तो उसका इलाज करना पड़ता है। इंडियन न्यूमोलॉजी के होरोस्कोप में ऐसा नहीं है, ये बात याद रखिएगा। न्यूमोलॉजी जितना नंबर बढ़ेगा आपको वो नंबर उतना स्ट्रांग समझा जाता है आपके करियर में, इस बात को आपको याद रखना। ये बात आपको पूरे YouTube वीडियो में किसी ने नहीं बताया होगा, मैं अपना बता देता हूँ, है ना। मुझे डर का बिजनेस नहीं करना है, मुझे डराना नहीं है आप लोग, इसलिए ये नंबर बढ़े तो डरना नहीं है, ये नंबर आपका फेवरेबल नंबर बनेगा इंडियन न्यूमोलॉजी होरोस्कोप में। लेकिन 200 ग्रेड में 2 के बाद तीसरा हो गया तो आपको रिपीटिंग नंबर, उसका इलाज है। 4th नंबर तो और खराब, 5वां है तो और खराब, इस तरह से है, ठीक है ना। मैक्सिमम 5 ही हो सकता है, ज़्यादा उससे नंबर नहीं हो सकता। लेकिन सुधीर जी का एक भी ग्रिड नहीं बन रहा, देख रहे हैं तमाशा। जबकि किसी को सफलता देने के लिए 9-5-1 का होना बहुत जरूरी है, 4-5-6 का होना बहुत जरूरी है, और 8-5-2 का होना बहुत जरूरी है इस लेवल पर जाने के लिए, जिस लेवल पर सुधीर चौधरी जी है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज एडिटर हैं, एंकर हैं, है ना, इस लेवल पर जाने के लिए, मतलब किसी भी बड़े लेवल पर सफलता के लिए 3 ग्रेड का कंप्लीट होना जरूरी है। इनका एक भी ग्रेड कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसके बाद भी ये सफल है, है ना। तो आज मैं उनको बता दूं कि उनकी सफलता जो है ये 4 और 6 नंबर की वजह से है, ये 2 नंबर जो मिसिंग है इस 2 नंबर की वजह से है, 7 नंबर ऑलरेडी इनके 4 है, तो इसका मतलब बहुत स्ट्रांग नंबर है केतु देव का। इनके इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इनकी कुंडली में 4, 2 और 6 ये बलवान नंबर है, मतलब ये जो नंबर इनका है ये बलवान नंबर है इनका, इसीलिए इनको इतना सफलता है। लेकिन एक चीज मैं इनको बता दूं कि 52 ईयर्स के बाद इनको जोर का झटका फिर से धीरे से लगेगा, या धीरे का झटका फिर से जोर से लगेगा 4 साल के बाद। अब कैसे लगेगा वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि इनके पास 5 नंबर मिसिंग है और 8 नंबर मिसिंग है ना, और 2 नंबर भी मिसिंग है। अगर इन्होंने उपाय नहीं किया 2 नंबर का, तो इनको जोर का झटका नहीं, धीरे का झटका जोर से लगने वाला है फिर से 52 ईयर्स की एज में। अभी 48 के हैं, ठीक 7 नंबर का जो साइकिल बनता है 52 का बनता है फिर से, 52 के बाद इनको फिर से धीरे का झटका जोर से लगेगा, उस वक्त फिर इनको फिर से एक नया करियर मिल सकता है, या हो सकता है उसी में झटका अच्छे के लिए हो सकता है, बुरे के लिए हो सकता है, दोनों तरह है कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी में क्या होता है, कभी कभी चेंजेज जो होता है अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए भी होता है। लेकिन 52 से 55 के बीच में इनको और एक जबरदस्त झटका लगेगा, उस झटके के बाद शायद ही अपना बिजनेस खुद करने बैठ जाए, है ना, या कुछ और बड़े लेवल पर चले जाएँ, कहकर कभी कहकर जो होता है अच्छे के लिए होता है यही समझा जाता है। तो मैं तो मान के चलता हूँ इनको 2 का उपाय या 5 का उपाय जरूर करना होगा, और इट्स माई गारंटी वारंटी कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत धोखा देखा है, तकलीफ देखा है, लिटिगेशन दे, अभी तक तो लिटिगेशन बहुत होगा इनके ऊपर, केस मुकदमा तो चलता ही रहता है इनके ऊपर, कहे कि है ना, इस तरह से अपने लोगों से फ्रेड देखा है इनको, तो इनका नंबर ही ऐसा है ना, तो कुछ नहीं कर सकते, तो उनको तो ये सब चीज़ मिलना ही मिलना है, फ्रॉड चीटिंग सब कुछ इनके साथ हुआ है और होता रहेगा, जब तक कि ये नंबर कभी अस्थिर से रहने देता है, लाइफ टाइम इनको इन सब चीज़ों को ये करना होगा, लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे ये, है ना। लेकिन इनको अगर उन्होंने 5 नंबर का उपाय नहीं किया, क्योंकि 5-8 दोनों मिसिंग है, और जिसका 5-8 मिसिंग होता है वो किसी कीमत पे कोई अपना बिजनेस ढंग से नहीं कर पाएगा, अपने फाइनेंशियल मैटर को ढंग से हैंडल नहीं कर पाएगा, अपने किसी भी फाइनेंशियल पार्ट को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएगा, सब प्रॉब्लम उनको, इसलिए इनको ये नंबर ठीक करना ही होगा। 5-2 तो कंपलसरी है इस मीडिया फील्ड में बने रहने के लिए अगले अभी 48 साल के, तो मान लीजिए 30 साल तक और, है ना, मान लो मान के चलते 80 ईयर्स जो व्यक्ति अच्छा खाता पीता है 80 ईयर्स तक जीवित रहता है, तो मान के चले 30 साल तक और, तो इनका बस एक ही हिंड्रेंसेस है कि इनका पूरा ग्रिड मिसिंग है 8-5-2 का, दिस इज वेरी डेंजरस। अब ये इनको कहाँ जाकर रोकेगा या पटकेगा या उठाएगा, है ना, गॉड नोज, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये मीडिया कर्मी बने हैं, इतने ऊंचे पोजिशन पर पहुंचे, इनका इंडियन न्यूमोलॉजी लुसोग्लियोलाइसिस एकदम 0 बेकार, किसी कीमत पर नहीं बन सकते, चाहे कितनों इंडियन एस्ट्रोलॉजर न्यूमोलॉजर इनके बारे में लुसोग्लियोलाइसिस के बारे में बताएगा इनके पास 4 है 9 है, ऐसा नहीं होता, उसका कोई कुछ लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक एकदम नहीं है, लॉजिक नहीं तो मैजिक नहीं है, बात खत्म। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करो, लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोग फीडबैक देना नहीं भूलो, फीडबैक देने से मनोबल बढ़ता है और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने का मन करता है। लेकिन आप सोच के आप लोग फीडबैक नहीं देते हो, फिर भी थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बीइंग।